हाँ जी नेक्स्ट uh, uh, है सेक्शन वन फिफ्टी नाइन प्रोसीजर फॉर अलेक्शन तो अब जो नॉमिनेशन वगैरह कंपनी को uh, मिल जाएंगी जब डायरेक्टर्स uh, के लिए अपॉइंटमेंट के लिए तो फिर ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है सेक्शन वन फिफ्टी नाइन में प्रोविजन ऑफ सेक्शन फोर द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द जनरल मीटिंग

वो यानी कि थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन दे विल फिक्स द द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन जनरल मीटिंग इसको ये समझ लें आप कि हो सकता है अगर चार डायरेक्टर थे पहले तो सब्सिक्वेंटली इलेक्शन में भी सिर्फ चार ही हों और यहाँ कंपनी तीन तीन भी कर सकती है सात भी कर सकती है लेकिन ये जो मामला है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अगर ये चेंज होगा <coughs> बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से होगा या उनकी रिकमेंडेशन से होगा और आज जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनको अप्रूव करेगा सो so, इसमें भी हम अभी देखेंगे कि जनरल मीटिंग क्योंकि डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी करती है इसलिए उनके पास नंबर को रेटिफाई करने का भी जो है डायरेक्टर्स के नंबर को वो भी अख्तीय मौजूद है और जो ए, फिक्स करेंगे नंबर एंड नॉट लेटर दैन थर्टी फाइव डेज बिफोर कन्वीनिंग ऑफ सच मीटिंग यानी कि जो मीटिंग है जिसमें करने हैं उन्होंने डायरेक्टर का एलेक्शन उससे थर्टी फाइव डेज पहले यह फैसला करना है कि कितने डायरेक्टर उन्होंने अपॉइंट करने हैं एंड नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिस शेल नॉट बी चेंज्ड यानी कि जब एक दफ़ा डिसाइड कर लिया बोर्ड ने कि इतने डायरेक्टर्स करने हैं तो वो चेंज नहीं होंगे एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग इन विच इलेक्शन इज टू बी हेल्ड सो अगर चेंज करने हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर किसी भी स्टेज पर डायरेक्टर्स ने तो उन्होंने शेयर होल्डर्स की ये अप्रूवल लेनी है टू स्टेट्स, यानी कि जो नोटिस भेजा जाएगा शेयर होल्डर्स को फॉर एलेक्शन उसमें जो है वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बताए जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इलेक्शन uh, करने के लिए चूज किए हैं करें फिर एर दी नेम ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स उसी नोटिस में बताया जाएगा कि इस इलेक्शन में अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सात डायरेक्टर हों और उसमें से तीन रिटायर हो रहे हों क्यों क्योंकि उसकी रेलिवेंट वजह ये है कि जब इलेक्शन हुआ तो हो सकता है कोई डायरेक्टर रिजाइन कर जाए या किसी की डेथ हो जाए तो उसकी जगह सब्सिक्वेंटली कुछ और डायरेक्टर्स आ जाएंगे सो so, कई कंपनियों में ऐसा हो रहा होता है कि जो इलेक्शन है वो टाइम टू टाइम होते हैं जब कोई डायरेक्टर रिज़ाइन कर दे तो उसमें तो हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि उसका जो है एक अल्टरनेट डायरेक्टर आ जाता है फॉर द रिमेनिंग पीरियड बट अगर कोई डायरेक्टर रिज़ाइन करे और, और उसके बाद रिमेनिंग पीरियड फुलफिल करने के बाद भी जो है वो कोई और डायरेक्टर ना आए सो so, तीन साल के बाद जब इलेक्शन होंगे उसके बाद तो उसमें जो है वो सारे वही डायरेक्टर जो हैं वो अलेक्ट होंगे uh, फिर है जी नंबर थ्री एनी मेंबर हु सीक्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू डायरेक्टर, वेदर इज ए रिटायरिंग डायरेक्टर अदरवाइज फाइल विद कंपनी नॉट लेटर डेज बिफोर द मीटिंग एट विच इलेक्शन ऑफ इज इंटेंशन टू ऑफर एज ए डायरेक्टर इसका मकसद ये है कि जब किसी भी शेयर होल्डर को पता चल गया कि इलेक्शन हो रहे हैं और अगर वो कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो ये जिस तरह आप समझें कि नॉमिनेशन पेपर होते हैं किसी भी इलेक्शन में अगर आप नॉर्मल इलेक्शन लड़ रहे हों किसी एम का एम का या किसी भी और कॉन्स्टिटेंसी का तो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन कंपनीज एक्ट में है ये कि डायरेक्टर जो करना चाहता है एक्शन कॉन्टेक्ट वो अपनी इंटेंशन फाइल करेगा कंपनी और उसका प्रोवाइजर सिर्फ ये होल्डिंग इसका मकसद ये है कि अगर उसे पता चल जाता है कि वो आ, शायद अलेक्शन ना जीत सके तो उसके पास चॉइस है कि वो ऐसा जो नोटिस उसने दिया है अपनी इंटेंशन फॉर अपॉइंटमेंट या नोमेशन पेपर फाइल करें तो वो विदड्रॉ भी कर सकता है Uh, फिर जी सेक्शन सब सब सेक्शन फोर है ऑल नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ सब सेक्शन थ्री शेल बी ट्रांसमिटेड टू द मेंबर्स नॉट लेट्स देन सेवन डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट फॉर सेंडिंग ऑफ अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग यानी कि अब जब किसी ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं तो वो नोटिस जो होगा शेयर होल्डर्स को फॉर एलेक्शन उसके साथ जो है उनकी कॉपी भी भिजवाई जाएगी या उनका उनकी डिटेल बताई जाएगी शेयर होल्डर्स को ताकि वो अपना जहन बना के आए इन इलेक्शन प्रोसेस कि उन्होंने किस डायरेक्टर के लिए वोट करना है आ, और इसकी जो अगली रिक्वायरमेंट है कि ये जो नोटिस उसी तरह ही होगा जिस तरह के जनरल मीटिंग का नोटिस है हमें पता है किस दिन का नोटिस होगा हर शेयर होल्डर को भेजा जाएगा और लिस्टेड कंपनियों में जिस तरह के आगे लिखा है इन द केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी

सो so ए है ए मेंबर शेल हैव सच नंबर ऑफ वोट्स एज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय हिम तो पहला जो है रिक्वायरमेंट वो है कि A, जो एक मेंबर है उसके पास जितने वोटिंग वोट्स हैं वो सारे के सारे वोट वो किसी भी डायरेक्टर के लिए कर सकता है हमें पता है कि जो शेयर्स होते हैं हर एक शेयर के साथ एक वोट होता है और इसके अलावा भी अगर कंपनी के साथ उस शेयर होल्डर का कोई मुहिदा है तो कंपनी उसको वोटिंग का राइट right दे सकती है सो so, ऑल जो सिक्योरिटीज हैं जो उसको अलाउ करती हैं वोट करने के लिए उनके अंडर भी वो वोट करेगा पी एच ई मेम्बर में गिव ऑल हिज वोट सिंगल कैंडिडेट और डिवाइड मोर देन ऑफ़ द कैंडिडेट्स इन सच मैनर एज ही मे चूज सो so, एक डायरेक्टर एक शेयर होल्डर के पास अगर आ, हजार फर्ज करें वोट हैं तो उसकी चॉइस है छः सौ किसी एक को दे दे और चार सौ किसी एक को दे दे जरूरी नहीं है कि सारे वोट उसने एक ही मेंबर को डालने हैं सी एच द कैंडिडेट हु गेट्स दी हाएस्ट नंबर ऑफ वोट शैल बी डिक्लेयर्ड एलेक्टेड एज डायरेक्टर एंड देन द कैंडिडेट हु गेट्स दी नेक्स्ट हाईस्ट नंबर ऑफ वोट शैल बी सो डिक्लेयर एंड सो ऑन ऑनटिल the total number of directors to be elected has been so elected. so process बड़ा clear और easy है जिसमें ye साबित हो गया कि अगर चार director हैं और दस farz kare shareholder hain हैं तो जो भी hain wo हैं वो हर partially को kar sakte कर सकते हैं या सारे ko एक को दे दें सो so, जब रिज़ल्ट निकलेगा अलेक्शन का सो so, अगर चार डायरेक्टर्स हैं तो जो हाइएस्ट फोर होंगे पहले वन टू थ्री फोर उन वो जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे और बाकी जो है वो समझ लें कि वो इलेक्शन हार जाएंगे और वो बोर्ड पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं आ सकेंगे ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग इन द मैनर आर्टिकल हमें पता है क्योंकि इनके पास शेयर uh, कैपिटल नहीं होता जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं जो है अपना गारंटी लिमिटेड जिनको हम कहते हैं तो वो उनकी जो वोटिंग है वो मेंबर्स ही करते हैं बट उनका तरीके काम जो है नॉर्मली आर्टिकल्स में लिया जाता है नेक्स्ट uh, है जी हमारा सेक्शन 160 160 uh, एक तो मैंने आपके साथ एक्साम्पल पटिशन जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी वो ये 160 की पटिशन है जिसमें जो हमने ऊपर सारा प्रोसेस पढ़ा है अगर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता तो कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो आ, किसी भी डायरेक्टर का जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड करार दे दे। तो एक तो वो जो मैंने सैम्पल आपको भेजा है वो आप पढ़ लें उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कर सकते हैं सेक्शन वन सिक्सटी जी के दर्ट में ऑन दी अप्लीकेशन ऑफ मेम्बर होल्डिंग नॉट टेन परसेंट ऑफ दोटिंग पावर इन दंपनी मेड विद इन थर्टी डेज ऑफ द डेट ऑफ इलेक्शन सो दो चीज़ें रेलिवेंट हो गई कि एप्प्केशन होगी फ्राम ए मेम्बर यानी कि किसी शेयर होल्डर की तरफ से होगी और कौन सा शेयर होल्डर जिसके पास मिनिमम टेन परसेंट हो कलेक्टिवली भी हो सकती है और उस अकेले के पास भी हो सकती है डिक्लेयर इलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स और एनी ऑफ और मोर ऑफ दैम इनवैलिड यानी कि डिक्लेरेशन कोर्ट क्या दे सकती है इनवेलिडिटी की वर्ड दो जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें डिक्लेयर और इनवेलड है डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऊपर सारे सेक्शन जो हमने देखे हैं ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई लिहाजा उस डिक्लेरेशन का ये इफेक्ट होता है कि वो एक तरह से एक लॉ की तरह ऑपरेट करती है और उसके बाद जो है वो डायरेक्टर अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता सो so, इन की डायरेक्शन कोर्ट कब देगी इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर हैज़ बीन मटीरियल इरेगुलरिटी इन दी होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन एंड मैटर्स इंसिडेंटल और रिलेटिंग देयर टू सो एक तो आपने समझना है कि मटीरियल इरेगुलरिटी है सो इरेगुलरिटी मटीरियल अगेन क्योंकि डिफाइंड टर्म नहीं है और मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन पे होती हैं कोर्ट इंटरप्रेट्स करती हैं और फिर उस पर जो है वो फैसला देती हैं सो मटीरियल इेगुलरिटी का मतलब यही है कि कोई ऐसी इरेगुलरिटी ना हो कि जिसमें बिल्कुल ही कोई प्रोसीजरल बात हो सबस्टानसिव uh, ना हो सो so, नोटिस जो है वो अगर किसी शेयर होल्डर्स को नहीं दिया गया या जो है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर जिस तरह उन्होंने ली ही नहीं कुछ लोगों से और किसी ऐसे डायरेक्टर को ले आए हैं जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर ही नहीं फाइल किया था सो so, जितनी भी अब हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं उसमें से कोई मटेरियल जो है वो आ, शो करनी पड़ेगी कोर्ट को कि वो वायलेशन हुई है और प्रेजुडिस किया है बाकी सारे शेयर होल्डर्स को या डायरेक्टर्स को तो इस तरह से जो है वो इलेक्शन जो है वो कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि ये इनवैलिड है